नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में लगातार हार का कारण तलाश रही कांग्रेस, शुक्रवार को विधायक दल का नेता चुनेगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। वहीं अगले दिन कांग्रेस ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाई है। उससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल के नेता के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कुल 37 में से 31 नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई। इससे उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। हालांकि विधानसभा चुनावों में पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद हुड्डा के लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए मंच तैयार होने के साथ ही पार्टी में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं। वहीं बैठक से पहले एक विधायक ने कहा कि विधायकों को कई फोन कॉल और मैसेज भेजे गए जिसमें उन्हें हुड्डा के आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया। जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधायक उनके पक्ष में हैं और अगर उन्हें विधायकों का बहुमत मिलता है तो संभावना है कि पार्टी हाईकमान विधायकों की इच्छा का पालन करे और उन्हें फिर से विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया जाए। हालांकि यह फैसला पूरी तरह से हाईकमान के हाथ में है। हुड्डा की बैठक में शामिल न होने वाले 5 विधायकों में शैली चौधरी, चंद्रमोहन, आदित्य सुरजेवाला, रेणु बाला और अक्रम खान हैं, जो हुड्डा के एनटी और एआईसीसी महासचिव कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ हैं। दरअसल कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शैलजा पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन की उम्मीदवारी का समर्थन कर रही हैं, जो नए सीएलपी चेहरे के रूप में हैं। वह 4 बार विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल हुड्डा ने कहा कि यह एक अनौपचारिक बैठक थी, हमारी अच्छी चर्चा हुई, सभी ने कहा कि हम एकजुट होकर हरियाणा और देश के लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ेंगे। जहां तक कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव का सवाल है, बैठक 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगी, वहां यह फैसला लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि कांग्रेस को भरोसा था कि वह बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी जीत गई। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए राज्य इकाई में गुटबाजी और अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया गया। जानकारी के अनुसार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अजय माकन और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक किस तरह से सफल हो पाती है और क्या विधायक दल की बैठक के बाद हुड्डा को कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस हाईकमान यहां विधायक दल का नेता चुनते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।